Morning all of you. Today we are going to start with the second part of unit number 2, 11th class economics, consumer equilibrium. So in this part we are going to study about the second approach of consumer equilibrium, that is known as ordinal approach of consumer equilibrium or indifference curve analysis. So first of all I would like to tell you what the indifference curve is. So indifference curve is a graphical representation of two goods in which a consumer is having same level of satisfaction while consuming each and every combination, each and every possible combination of both the two goods. तो इसमें हमें indifference curve के बारे में बताया गया है कि indifference curve क्या होता है. Indifference curve जो होता है दो गुड्स के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है और जिन को कंज्यूम करने से एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये इंडिफरेंस कर्व हमें बताता है. अब इस चीज़ को ज़्यादा समझने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है. तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है और डाउनवर्ड स्लोप करने का रीज़न होता है किसी भी दो चीज़ों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप या निगेटिव रिलेशनशिप. यानी कि जब भी किन्हीं दो चीज़ों के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप होगी, यानी कि एक चीज़ हमेशा घटेगी और एक चीज़ बढ़ेगी, तो उनसे बनने वाला जो कर्व होगा वो हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा. इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. नेक्स्ट है इसमें हमारी प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन. जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है ओरिजन पे. अब कॉन्वेक्स शेप का क्या कारण होता है ये मैं आपको बता देता हूँ. कॉन्वेक्स शेप का जो कारण होता है वो होता है हमारा MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. यानी कि जब हम किसी चीज़ को गेन करते हैं तो हमें दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और इस सेक्रीफाइस और गेन का जो हमारा प्रोसेस होता है वो ही हमारा MRS कहलाता है. तो इंडिफरेंस कर्व के केस में जो हमारा MRS होता है यानी कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिमिनिशिंग होता है और डिमिनिशिंग होने की वजह से हमारे इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स बन जाती है और कॉन्वेक्स होने का यही उसके रीज़न होता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने MRS की जो रेट डिमिनिशिंग है उसे अगर इंक्रीजिंग कर दें तो हमारी जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी. बट वो चेंज हमें करनी नहीं है क्योंकि हमारी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कॉन्वेक्स ही होनी चाहिए, ना कि कॉनकेव या स्ट्रेट लाइन. जी नेक्स्ट है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. एक हमारे अभी आगे हम कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे इंडिफरेंस मैप के बारे में. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ब्रीफ में कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है. एक इंडिफरेंस मैप होता है एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व का सेट होता है जिसमें जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है. तो अभी इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. तो इसमें यही बताया गया है कि एक इंडिफरेंस मैप में अगर हमें तीन इंडिफरेंस कर्व दिए गए हैं तो जो सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा वो सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो शो करेगा. जी नेक्स्ट है हमारा इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. जैसे कि मैंने अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टी में आपको बताया कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड द हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो उसी से ये हमारी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है कि अगर एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करेगा तो उन पे एक ऐसा पॉइंट बनेगा जो कॉमन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा. और ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले वाली प्रॉपर्टी इस चीज़ को पहले से ही क्लियर कर चुकी है कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. इसलिए कॉमन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन
होने का कोई रीज़न बनता ही नहीं है, इसलिए तो जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं जी। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि इंडिफरेंस मैप क्या चीज़ है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है जी। तो यहाँ पर दिया गया है इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंटिंग वेरियस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो है इंडिफरेंस मैप जो है वो इंडिफरेंस कर्व के सेट है जो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है इंडिफरेंस कर्व दे रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो अब इसमें से हमें अगर हमारे से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें किस इंडिफरेंस कर्व से मिल रहा है, तो उसका आंसर हम लोग क्लियरली दे सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाला हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा वो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अब हम दूसरे अपने हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन refers to the rate of which commodities can be substituted with each other so that the total satisfaction of consumer remains the same। जैसे कि मैंने आपको बताया था MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि जब भी हम किसी चीज़ को गेन करते हैं, यानी कि हमारे पास दो गुड्स हैं और उनमें से हमें एक को गेन करना है एक को सेक्रीफाइस करना है, तो हमें क्या करना होगा कि हम एक को सेक्रीफाइस कर ही दूसरे को गेन कर सकते हैं, और इस सेक्रीफाइस और गेन करने के प्रोसेस को ही हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इस को फाइंड आउट करने का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा का मतलब यहाँ पर होता है चेंज, यानी कि वाई गुड्स में आया हुआ चेंज अपॉन एक्स गुड में आया हुआ चेंज। इससे हम किसी भी कर्व का जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाल सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व के केस में ये डिमिनिशिंग होता है जी। अब हम लोग इसकी एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बगैर हम ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वो है बजट लाइन। अब बजट लाइन क्या चीज़ है? बजट लाइन, देखिए बजट एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड है जिसे हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी बजट का मतलब ही वो है कि एक कंज्यूमर अपनी टोटल इनकम यानी कि अपने टोटल बजट से अगर दो गुड्स खरीदना चाहता है तो वो उनके कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस खरीद सकता है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का जो काम करती है वो बजट लाइन करती है जी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बजट लाइन शिफ्ट, बजट लाइन के शिफ्ट का। देखिए बजट लाइन का जो चेंज होता है वो दो तरह का होता है, एक शिफ्ट इन बजट लाइन और एक रोटेशन इन बजट लाइन। शिफ्ट के क्या कारण हैं? इन्होंने बताया है कि बजट लाइन के शिफ्ट का जो कारण है वो है कंज्यूमर की इनकम, यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब है या तो कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ जाए या कंज्यूमर की इनकम जो है वो घट जाए, तो क्या होगा कि एक कंज्यूमर जो है कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा खरीद सकता है, और इनकम घटेगी तो वो कम खरीद सकता है जी। तो इससे कंज्यूमर की बजट लाइन में जो है वो शिफ्ट आता है, यानी कि उसके बजट में चेंज आता है। अब दूसरा जो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट है रोटेशन ऑफ बजट लाइन, उसका जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। बजट लाइन के रोटेशन का जो रीज़न है वो ये होता है कि बजट लाइन के रोटेट होने का जो रीज़न है वो ये है के प्राइजेज ऑफ़ द कमोडिटी, यानी कि अगर किसी एक कमोडिटी के प्राइजेज में कोई चेंज आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसकी जो बजट लाइन है वो रोटेट करती है। अगर प्राइजेज इंक्रीज होंगे तो वो रोटेट करेगी, और
प्राइजेस डिक्रीज होंगे तो भी वो रोटेट करेगी, बट द रीज़न इज़ दैट कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। देखिए, अब अगर प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो एक कंज्यूमर जो होता है वो लेस परचेज करेगा, तो इसलिए बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड की तरफ रोटेट होगी, और अगर प्राइजेस डिक्रीज होते हैं तो एक कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करता है, तो इसलिए हमारी बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड की तरफ रोटेट होगी। जी, तो ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी था कि जिससे कि आपको इस बारे में पता चल सके कि प्राइजेज या इनकम के इंक्रीज डिक्रीज होने से एक कंज्यूमर के बजट पर कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। अब हम लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं जो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी थे। अब हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर को कैसे इक्विलिब्रियम मिलता है विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन है वो किस कंडीशन में मिलता है, जब हमारी ये वाली इक्वेशन बनकर सामने आती है, MRS XY is equal to price ratio PX into PY। यानी कि अगर हमारी ये इक्वेशन बन जाए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड X एंड Y इक्वल टू प्राइज रेशो ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, तो एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसे ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए मैं एक डायग्राम से आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। जी, तो आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस डायग्राम में हमें शो किया गया है कि ये हमारी एक बजट लाइन है, ये वाली एक बजट लाइन है जो एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर हमें तीन इंडिफरेंस कर्व दिए गए हैं, एक ये और एक ये वाला है, ये जो डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इन सभी इंडिफरेंस कर्व में आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो हमारे जो इंडिफरेंस कर्व 3 है वो सबसे ऊपर है, फिर एक इंडिफरेंस कर्व 2 है वो उसके बाद है, और एक इंडिफरेंस कर्व 1 है वो सबसे नीचे है। तो अब यहाँ पर हमें कैसे पता चले कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? तो जहाँ पर भी, देखिए मैंने आपको बताया था, एक हमारी सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू प्राइस रेशो, तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो देखिए, ये जो पॉइंट ई है यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व ने टच किया है बजट लाइन को, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल हुआ है प्राइस रेशो के, तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिला है, क्योंकि यहाँ पर बजट लाइन जो है वो टच हो रही है इंडिफरेंस कर्व से। बाकी IC3 और IC1 पर ये केस नहीं होगा, क्योंकि ये जो हैं IC3 टच नहीं कर रहा है बजट लाइन को, और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व 1 है वो बजट लाइन को दो जगह टच कर रहा है, बट कॉन्वेक्स ओरिजिन पर सेव टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ होगा? हमारा इक्विलिब्रियम होगा ई पॉइंट पे, और हमारा IC2 जो है वो हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन पहुँचाने में हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से मैंने आपके सामने यूनिट नंबर 2 की जो सारी दोनों अप्रोचेस थी उनको डिफ़ाइन कर दिया है। अब हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।